नमस्कार, मैं जिमी जोरदार आ गया हूं आज आपके द्वार फिर से। और आज का स्पेशल फ्रूट जो है वो है तरबूज। इसको कहते हैं वॉट अ मेलन। इतना बढ़िया फ्रूट है भाई साहब। और हमारे गांव में इसे कहते थे कलिंदरा, यहाँ कहते हैं मराठी में कलिंगल। मतलब इससे बढ़िया दुनिया में कोई फ्रूट है ही नहीं भाई साहब। गर्मियों का मतलब सबसे बढ़िया फ्रूट है यार ये। इसमें काला नमक डाल के जो ऐसे ऐसे छिड़क के थोड़ा सा खाओ ना, मजा आ जाता है भाई साहब। मतलब मैं तो बचपन में ऐसे घर पे आता था, उसको ठंडा वंडा करके हम लोगों को खाने को मिलता था, जो मजा आता था ना भाई जीवन में। ओए 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 क्या बात है, वही मजे याद ले रहा हूँ। भाई साहब 95 तो नहीं 98% ये पानी ही है। तो क्या होता है, ये आपके पेट को फुल कर देता है। आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। आप जब फुल रहते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है। और जब आपको भूख नहीं लगेगी, आप फुल फील करेंगे, तो आप फालतू एक्स्ट्रा खाना खाएंगे नहीं। और जब एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे तो फिर होगा क्या होगा, ये कि आपका वजन कम होगा। तो ये जो फ्रूट है वजन कम करने में काफी हेल्पफुल है। दूसरी चीज, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, क्योंकि ये 90% वाटर है, आपकी बॉडी में कहीं जमता नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी बॉडी का, बहुत अच्छी चीज़ है गट हेल्थ के लिए। विटामिन सी है, ए है, पोटेशियम है इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी हेल्दी बेनिफिट्स हैं इसके, जो मतलब आपको मतलब हेल्दी रखते हैं, मतलब बीमारियों से बचाते हैं आपको। और इसके अंदर एक चीज़ होती है जो ये प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं नाइट्रो ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है। तो नाइट्रो ऑक्साइड क्या करती है, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उनको ऐसे खोल देती है, ऐसे खोल देती है। जब वो खोल देती है तो आपका ब्लड फ्लो बॉडी में बढ़ जाता है। तो समझ रहे हो, जो ये हो गया अपना तरबूज हो गया और जो अपना अनार हो गया, ये एक दो ऐसे फ्रूट हैं जो अगर आप खाते हो तो आपके बॉडी में नाइट्रो ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आपकी ब्लड वेजल्स जो होती हैं उनके अंदर जो खून है तो अच्छी तरह से जाता है और सारी नशें खुल जाती हैं। जब नशें आपकी खुल जाती हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़िया से होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो बीपी वाले पेशेंट्स हैं जिनका बीपी बढ़ा रहता है, उनके लिए बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बीपी को थोड़ा सा डाउन करता है। तो आप इसको जरूर लें। और क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो कुछ डॉक्टर ने तो इसको नेचुरल वायग्रा भी कहा है कि भाई साहब आप इसको रोज लीजिए तो मतलब मजे करेंगे आप। तो भाई वैसे तो दुनिया भर के हैं, ये भी एक हेल्थ के लिए बेनिफिट है ही है इसका। दूसरा पोटेशियम है, तीसरा विटामिन सी भी है, और तीसरा आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है भाई साहब, आपको फुल रखता है। खाने पे इतना ध्यान चला गया ना भाई साहब, आपको हम बता ही नहीं पा रहे, मतलब इतना स्वादिष्ट है। और सबसे अच्छी बात ये 12 के 12 महीने अवेलेबल है, तो आप कभी भी इसको खा सकते हैं। और आप एक रोज खाइए, मतलब ये पूरा तरबूज मत खाइए, एक गिलास इसका जूस पीजिए। और हमको भी किसी ने कहा था, तो हम जहां पर भी हमें मिलता है, गाजर का जूस हो गया या अनार का हो गया, इसका हो गया, जो भी लाल जूसेस होते हैं जिनका कलर रेड होता है, बीट रूट हो गया, गाजर हो गया, ये हो गया, अनार हो गया, ये सब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको खोलता है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, खून को बनाता है। मतलब आप इसको ले रहे हैं ना तो आप हेल्दी तो हैं, ये खून बढ़ेगा, बॉडी में खून रहेगा, दौड़ेगा ऐसे, तो मतलब क्या ही है। और जो बॉडी बिल्डर हैं वो जिम करके आते हैं तो उनके जो मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं, जो ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन जो होते हैं, उनको रिकवर करने में मदद करता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं तरबूज के। भाई साहब बचपन में तो हम ऐसे ही खाते थे। और यार एक आम और एक तरबूज गांव में ना भाई यही फ्रूट होते हैं जो लोगों को खाने को मिलते हैं, और भरपेट पेल के खाते हैं, और मैंने भी बहुत खाया। तो मैं जिमी जोरदार आपके साथ बना हुआ हूं, आगे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अस्ताला विस्ताला, एक चीज ध्यान रख लीजिए,
फ्रूट्स आपको रोज लेने हैं अपनी डाइट में। सुबह 12 बजे तक फ्रूट खा लीजिए, शाम के टाइम 3 से 6 के बीच में फ्रूट खा लीजिए। और फ्रूट अगर आप खा रहे हैं तो आपके बॉडी में फाइबर बहुत सारा प्रोड्यूस होने वाला है, जिससे आपका स्टमक क्लीन रहने वाला, डिटॉक्सिफाइड रहेगा हमेशा, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अब बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं। मैं जिमी जोरा, भाई भूख लगी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फ्रूट के साथ। अस्ताला विस्ताला, तक लिया।